देखिए आपको वो ट्रेन को लाइट दिख रहा होगा, तो ट्रेन आ गई है, हो गया है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, ये देखिए बहुत कुहासा है। गया में तो काफ़ी ज़्यादा ही ठंड रहती है। ट्रेन के अंदर ये हाल है, ठंडा इतना लग रहा है, भाप निकल रहा है, बाहर निकलेंगे तो कितना। और इसी ट्रेन से मैं आया था और ये ट्रेन जो है गंगा दामोदर छोड़ गया। ये देखिए देवी जी का मंदिर है और बगल में बजरंगी। ये चारों तरफ आपको पहाड़ी इलाका नहीं, कोयला के इलाके पैदल ही जा रहे हैं, तो चलिए ज़्यादा नहीं, बस 1 किलोमीटर है। मनोज भैया का घर आगे है, आज ज्योति दीदी का घर यही है। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे आप सब? मुझे आशा कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी मैं रेलवे स्टेशन में हूँ ब्यासरी, और जा रहा हूँ मैं धनबाद। तो जबकि ब्यासरी रेलवे स्टेशन जो है 10 बजे खुलती है गया के लिए, क्योंकि गया से धनबाद हमको जाना है, तो 10 बजे से लेकर 2 बजे रात को गया पहुँचा देगी। और टिकट मैंने कटा लिया हूँ, 70 रुपये भाड़ा है ट्रेन का। तो चलिए आपको ट्रेन का जर्नी दिखाते हैं रात का, ब्यासरी से धनबाद। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए रात का सीन है ब्यासरी रेलवे स्टेशन का, और बहुत कम आदमी दिख रहा होगा आपको कि ट्रेन जो है प्लेटफार्म नंबर 2 पर आती है, तो मैं जा रहा हूँ 2 पर। अब ट्रेन आ गई है बुद्ध पूर्णिमा, और इसी ये देखिए आपको वो ट्रेन को लाइट दिख रहा होगा, तो ट्रेन आ गई है। और ये देखिए धीरे धीरे भीड़ जो है बढ़ते ही जा रहा है। ट्रेन के अंदर आ गए, और ये ट्रेन का देखिए जनरल बॉगी है, और पहुँचे भी आए। ट्रेन तो खुल गई है, और ये देखिए आए। अभी हम फिलहाल पटना जंक्शन में पहुंच गए हैं, और गया जंक्शन अभी बाकी है, तो अभी ट्रेन रुकने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 10 में। तो ये देखिए रात का व्यू देखिए कैसा है, ये देखिए पटना जंक्शन आपको दिखेगा, है ना। पटना जंक्शन पहुंच गए हैं, और मुझे भूख लगा तो कुछ खाने के लिए ले लेता हूं। और ये देखिए सामने लगा हुआ स्टॉप, तो कुछ खाने के लिए ले लेता हूं। तो रात के 11:40 पटना जंक्शन पहुंचा है, तो चलिए आपको हाँ मैंने ले लिया हूं खाने के लिए आलू, आलू भुजिया, आलू भुजिया ले लिया। अब खुलने वाली है ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। अब हम गया पहुंच गए, और ये देखिए गया का व्यू। वो स्टेशन जो है ये वो गंगा दामोदर एक्सप्रेस है, और अभी हम हैं बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस, तो उतरते हैं। और उतरने के बाद क्योंकि हमको जाना है धनबाद, चलिए इसी ट्रेन से अभी हम आए हैं, और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर उतरे हैं। ये ट्रेन जाएगी बनारस, ठंड तो बहुत है, लिफ्ट भी बंद है। यही देखिए रात के कितने बज गए, 1:40 हम पहुँचे अभी गया। और ये देखिए मालगाड़ी गया का, देखिए जंक्शन आज के हम गया पहुँच गए हैं, और हमको जाना है धनबाद। तो धनबाद के लिए 2:15 में ट्रेन है, जबकि ट्रेन जो है लेट है, तो हमको वेट करना पड़ेगा। और जब तक हम अभी जाते हैं टिकट कटा लेते हैं और कुछ खा लेते हैं, भूख लग गया, ठंड भी बहुत ज़्यादा है रात, तो आपको वेट करना पड़ेगा। देखते हैं जाकर टिकट कटा लेते हैं, कुछ खा भी लेते हैं। तो दिखा भी दिए हैं कि 1:40 हो गया है, और ठंड बहुत ज़्यादा है, ये देखिए बहुत कुहासा है। गया में तो काफ़ी ज़्यादा ही ठंड रहती है, तो वेट करते हैं धनबाद के लिए। भाई अभी ट्रेन आने में बहुत लेट है, तो ये ट्रेन से जा रहे हैं जो कलकत्ता जाती है, ऐसा है कि ट्रेन बहुत लेट था, इसके वजह से कालका एक्सप्रेस जो है गया से कोलकाता जाती है, तो धनबाद में हम उतर जाएंगे, तो बहुत काफ़ी लेट हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। इसी ट्रेन से हम जा रहे हैं, टिकट कटाए हुए गंगा सागर का, तो ट्रेन तो छूट गई है, ये इस ट्रेन से हम जा रहे हैं। ट्रेन जो है ये देखिए ट्रेन तो खुल गई है गया जंक्शन से, और हम जा रहे हैं धनबाद, जबकि ये ट्रेन जाती है कोलकाता, तो हमको धनबाद उतरना है, धनबाद में रुक जाएगी। तो भाई साहब सबसे पहले आप सबका गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं अब सो के उड़ गया हूँ, गया जंक्शन से मैं बैठा था, अब धनबाद जो है पहुँचने वाला हूँ। ट्रेन के अंदर ये हाल है, ठंडा इतना लग रहा है, भाप निकल रहा है, बाहर निकलेंगे तो कितना ठंडा लगेगा। और ये देखिए इसी पर मैं सो के आया था,
और ये देखिए नीचे अभी सब लोग सोए हुए हैं और इधर भी सोए हुए हैं सारे लोग। तो धनबाद मैं किस वजह से मैं जा रहा हूँ वो वीडियो लास्ट में पता चल जाएगा आपको। और मैं धनबाद में उतरने के बाद जो है अभी तो इंजोला सही से हुआ नहीं, लाइट तो अभी सुबह पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद कुछ खा पी लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, ब्रेकफास्ट, उसके बाद जो है मार्केटिंग दिखाएंगे, इसका लास्ट में आपको पता चल जाएगा। हम धनबाद जंक्शन पहुँच गया है, अब ट्रेन अब रुकने वाली है धनबाद। उसी ट्रेन से हम आने वाली जो सामने लगी हुई है वो ट्रेन छूट गई थी, गंगा सागर एक्सप्रेस। ले गाइस अब हम धनबाद पहुंच गए हैं। ये देखिए धनबाद स्टेशन है और इसी ट्रेन से मैं आया था और ये ट्रेन जो है गंगा दामोदर छूट गई थी। तो भाई आप पहुंच गए हैं और हमको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो अंधेरा ही है, उजाला हुआ नहीं सही से। देखिए गाइस ऊपर का देखिए व्यू, सारा ट्रेन जो लगी हुई कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि पटना जंक्शन में आए हुए हैं, एकदम उसी टाइप का लग रहा है। और ये देखिए ऊपर आने के बाद देखिए स्टेशन का व्यू, देखिए ये है काउंटर है, टिकट काउंटर है और बाहर निकलने का एग्जिट हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा है, ये धनबाद जंक्शन का आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हम अब जो है ना बाहर निकलने का रास्ता ये है गाइस, बाहर निकलने का ये एग्जिट है, ये एंट्री है। तो भाई ये देखिए धीरे धीरे जाला हो गया है, सुबह का लमसम में 6:30 बज चुका है और ये धनबाद जंक्शन से ठीक बाहर आपको ऑटो लगा रहेगा। तो हमको जाना है बैंक मोड़, तो चलिए हम ऑटो से पूछ के हम निकलते हैं बैंक मोड़। बैंक मोड़ के बाद वहाँ से झरिया चलेंगे और झरिया के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर जो है हर बस का जहाँ जाना हो या दुर्गापुर वर्धमान कोलकाता, तो यहाँ पर बस जो है आप टिकट कटा के जा सकते हैं। तो यहाँ पर सारा यहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ है टिकट का और ये मार्केटिंग है धनबाद का, देखिए बाहर स्टेशन का मार्केटिंग है। यहाँ पर ऑटो लगा हुआ रहता है और बस भी लगा रहती है। तो चलिए हम जाते हैं बैंक मोड ऑटो से पूछ के। तो दोस्तों धनबाद जंक्शन से आपको बाटा मोड़ के पास आना है, जबकि मैं बाटा मोड़ के पास आ गया हूँ। अब हमको जाना है कुसुमाटन, हाँ हमको जाना अब कुसुमाटन, कुसुमाटन से मनोज देव का घर। तो चलिए आपको मनोज देव का घर पर दिखाते हैं वीडियो। तो भाई ये देखिए देवी जी का मंदिर है और बगल में बजरंगबली है। तो ये मंदिर जो है ना ये मंदिर पड़ती है बलियापुर का, तो एरिया जो देख रहे हैं ये बलियापुर का है। तो आपको वहाँ से पैदल आना पड़ेगा बाटा मोड़ से, ज़्यादा नहीं 100 मीटर दूरी पैदल चल के आपको ये एरिया का नाम है बलियापुर, बलियापुर से आपको ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा कुसुमाटन, जबकि वहीं पर मनोज देव का घर है लेफ्ट साइड में। तो ऑटो अभी खुली नहीं है, 20 रुपया रेट है, वेट करते हैं उसके बाद आते हैं। भाई यहाँ पर ऐसा डस्ट है, बगल में कोयला फैक्ट्री है, इसके वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। तो रुमाल बांध दिए हैं, आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। आप जो देख रहे हैं कि आपको कुहासा टाइप का है, ये कुहासा नहीं डस्ट है क्योंकि कोयला फैक्ट्री ना आसपास में, इसे इधर और इस टाइप में दोनों साइड में जो है कोयला फैक्ट्री है, इसके वजह से देखिए रोड कितना ख़राब है, पूरा डस्ट ही डस्ट है। डस्ट की वजह से रुमाल बांध के जाना पड़ा। अगर आप लोग आइएगा ना तो बिना रुमाल के मत जाइएगा, अगर मास्क है तो मास्क अच्छा बात है। बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है वहाँ पर, देखिए पहाड़ जैसा बना हुआ है कि पत्थर निकलता तभी अंदर से कोयला निकल, पहले पत्थर निकलेगा तभी कोयला निकलेगा, ये पत्थर से हो गया पहाड़। अगल बगल देखिए बहुत अति हो गया, पूरा काला काला, वो जो चारों तरफ जो दिख रहा है आपको पहाड़ टाइप का, ये पहाड़ी इलाका नहीं है कोयला का इलाका है। आपको ये जो कुछ अंश निकला तो उसको कोयला जल रहा है, पर ऐसा है कि चारों तरफ आपको दिख रहा होगा पहाड़ है ना, ये पहाड़ नहीं है ये कोयला का इलाका है। आपको ये जो क्या कहता है ना कि पहाड़ जो पत्थर जो है अंदर से निकल कर उसके बाद जो है कोयला निकलता है, तो ये चारों तरफ आपको पहाड़ी इलाका नहीं कोयला का इलाका है।
और चारों तरफ देखिएगा तो ये बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है। इसके वजह से रोड पर जो है पानी का छिड़काव दिया गया कि डस्ट उड़े नहीं। और रुमाल हम तो आगे बांध के आए हैं यहाँ पर खोले, इसीलिए कि डस्ट यहाँ पर नहीं उड़ रहा, पानी है। और मनोज देव का घर तो कुसमा टंड है, तो ऑटो मिला नहीं है, हम पैदल ही जा रहे हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं, बस 1 किलोमीटर है पैदल जाने में, 3 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं है। इतना देर वेट किए हैं तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, चलिए दिखाते हैं। भाई कुसमा टंड जो है हम पहुँच गए हैं, और कुसमा टंड जैसे पहुँचेगा तो आपको राइट तरफ ट्रांसफार्मर दिखेगा, उस गली से जाइएगा तो आपको गली से ये गली आपको सामने जाते ही जाना है। मनोज भैया का घर आगे है, आज ज्योति दीदी का घर यही है, गाज की यही है मनोज देव का घर, और लिखा हुआ है अंदर आना मना है। भाई मनोज देव है नहीं, मनोज देव बाहर गए हुए हैं, अगर उनके पापा बोले। और ये रास्ता, और ये जो चला जाता है जहाँ से हम अभी आए, और ये ग्रीन कलर के जो देख रहे हैं ज्योति श्री महतो का घर है। देव से तो नहीं मिल पाए, उनके घर जो है यहीं पर, ये सामने जो दिख रहा है लकड़ी का गेट है, तो क्या करें, तो है नहीं मिल पाए, तो अगली बार मिलेंगे। मेरा तो लकी दिन नहीं था सही। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, कभी और दिन मिलेंगे तो आपको वीडियो उनसे उनके साथ मिलकर आपको वीडियो दिखाएंगे। तो मिलते हैं एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय जय भारत।